साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो हम आधुनिक और उत्तर संरचनावादी विचारकों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज हम एक नव मार्क्सवादी विचारक या क्रिटिकल विचारक, विवेचनात्मक समाजशास्त्री यूर्गेन हैबरमास के बारे में चर्चा करेंगे। हैबरमास के बारे में हर परीक्षा में प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो इन्होंने अनेक सिद्धांत और अवधारणाएं समाजशास्त्र में प्रस्तुत की है, जैसे कि विधिसम्मत संकट यानी वैधता का संकट, संप्रेषणात्मक क्रिया सिद्धांत या इसको बोल देते हैं संचार क्रिया सिद्धांत। इसके अलावा इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक स्पेयर की चर्चा की है, ज्ञान और विज्ञान की चर्चा की है, आधुनिकता पर अपने विचार रखे हैं। तो आज हम इन सब पे चर्चा करेंगे। पार्ट वन में हम इन तीन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे और पार्ट टू में हम इन तीन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो जो हेबरमास है वो नव मार्क्सवादी विचारक हैं। ये फ्रैंकफर्ट संप्रदाय, जिसे विवेचनात्मक समाजशास्त्र या आलोचनात्मक समाजशास्त्र या क्रिटिकल सोशियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये एक संप्रदाय है जिसकी शुरुआत जर्मनी में हुए। तो ये सब इसके कई विचारक हैं जिनमें से हेबरमास भी एक है। तो ये सब मार्क्सवाद को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। ये मार्क्सवाद से पूर्णतया सहमत तो नहीं है, लेकिन जो मार्क्सवाद की विचारधारा थी, जो उनके उद्देश्य थे, उनसे सहमत है। उनकी जो विधि थी, उनकी जो प्रक्रिया थी, उनसे सहमत नहीं है। तो इनको पुनः स्थापित करने के लिए इन्होंने इस संप्रदाय की है वो शुरुआत की थी। तो इनका जन्म है स्वाभाविक रूप से जर्मनी में हुआ, 18 जून 1929 को हुआ, और ये 1956 में इस संस्थान में, फ्रैंकफर्ट संप्रदाय में या स्कूल के अंदर ऑर्थोनो के शोध सहायक है वो बने। तो इसकी स्थापना है, इस संप्रदाय की स्थापना 1923 में जर्मनी के अंदर हुई। होरकहाइम, ओर्नोडो, मोरक्यूज, इसके अन्य विचारक हैं और हेबरमास भी इनमें से एक प्रमुख विचारक हैं। तो इन्होंने जो मार्क्सवाद ने जिन चीज़ों की आलोचना की थी, उनकी आलोचना इन्होंने भी की है, और साथ में जो मार्क्सवाद था, मेरा मार्क्स की विचारधारा थी, उनकी भी आलोचना की है और उनको आधुनिक समय के हिसाब से पुनः स्थापित करने का प्रयास किया है। जैसे कि इन्होंने प्रत्यक्षवाद, परकार्यवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद, विज्ञान और तकनीक, इन सब का विरोध किया है। यानी हेबरमास ने किन किन का विरोध किया है? ये प्रत्यक्षवादी विरोधी थे, प्रकार्यवाद यानी ये सब यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, ये परिवर्तन का विरोध करते हैं, इन सब के विरोध में है। तो नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट में प्रत्यक्षवाद की आलोचना करते हुए कहा, क्या कहा? कि इसने को समझने की जो हमारी क्षमता है, सामाजिक दुनिया, लाइफ वर्ल्ड को समझने की हमारी क्षमता है, उसको सीमित कर दिया है, क्योंकि ये परिवर्तन चाहता ही नहीं है, ये यथास्थिति को बनाए रखना चाहता है। तो इसलिए ये प्रत्यक्षवादी और उनकी जो भी विचारधारा थी, उन सब का विरोध किया, और ये मार्क्सवाद से भी पूर्णतया सहमत नहीं थे। किन मुद्दों पे सहमत नहीं थे? मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो किससे होगा? क्रांति से होगा, और दुनिया के अंदर क्या है, सभी समान नहीं है, अत्यधिक भेदभाव है, मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, इस प्रकार की बातें हैं वो कार्ल मार्क्स ने कही थी। लेकिन ये उनसे सहमत नहीं है कि क्रांति के दौर से अब नहीं हो सकता, क्योंकि जो मार्क्सवाद की जो क्रांति थी, रूसी क्रांति उसे कह सकते हैं, 1917 में हुई थी, और उसके बाद जो 1991 के अंदर उस सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो मार्क्सवाद पे भी क्वेश्चन मार्क लग गया कि अब जो जमाना है वो मार्क्सवाद का नहीं है, पूंजीवाद का जमाना है, पूंजीवाद का अब कोई विकल्प नहीं है। तो ये मार्क्स की जो उद्देश्य थे, उनको पुनः स्थापित करना चाहते थे नए दौर के हिसाब से। तो इसलिए इन्होंने जो मैक्स वेबर का युक्ति संगत का सिद्धांत है और फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, उनका प्रयोग अपने अध्ययनों में किया है। साथ में भाषा विज्ञान,
क्योंकि जब संचार क्रिया की बात करते हैं तो संचार का सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका होता है? भाषा का होता है। तो ये भाषा के व्याकरणीय नियमों को भी प्रयोग में लेते हैं। तो अब हम इनकी पहली जो अवधारणा है, सबसे महत्वपूर्ण जो अवधारणा है, उस पे चर्चा कर लेते हैं। विधि सम्मत संकट या वैधिकरण की संकटावस्था, यानी कानून का संकट। तो इस अवधारणा का प्रयोग है वो अपनी पुस्तक लेजिटिमेशन क्राइसिस 1976 में करते हैं। किस पुस्तक में करते हैं? लेजिटिमेशन क्राइसिस 1976 के अंदर। और ये जो जिस समाज की चर्चा कर रहे हैं वो समाज है यूरोपीय समाज। किसका समाज है? यूरोपीय और अमरीकी समाज के अध्ययन के आधार पे ये अपनी अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। तो क्या है विधि सम्मत संकट? कानून का संकट क्यों पैदा हो गया है? तो इसके लिए ये बताते हैं कि जो प्रशासनिक कार्य है, प्रशासनिक संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, राज्य की संस्थाएं हैं, और उनके जो नेतृत्व है उसके अंदर विश्वास नहीं रहा है, विश्वास में गिरावट आनी प्रारंभ हो गई है। यानी जो कानूनी संस्थाएं हैं, विधि सम्मत संस्थाएं हैं, उनमें गिरावट प्रारंभ हो गई है। अब इसमें गिरावट प्रारंभ क्यों हो गई है, इसके पीछे भी कई कारण बताते हैं। जैसे कि राज्य है वो आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने लग गए हैं। आर्थिक गतिविधियां जो कि राज्य से मुक्त होनी चाहिए, ये आर्थिक गतिविधियों को राज्य से मुक्त होने की चर्चा किसने की थी? किस अर्थशास्त्री ने की थी? सिम्थ ने की थी। लेकिन क्या है कि राज्य है वो आर्थिक गतिविधियों में इनका हस्तक्षेप बढ़ गया है। जो सार्वजनिक क्षेत्र है, ये इनकी एक प्रमुख अवधारणा है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का पतन हो गया है और आधुनिक समय में विज्ञान और तकनीक का प्रयोग है बढ़ गया है। अब इनको हम समझेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, विज्ञान और तकनीक के बढ़ते प्रयोग से किस प्रकार के संकट उत्पन्न हो गए हैं। तो ये कहते हैं कि इन कारणों से विधि सम्मत संकट है, कानूनी संकट है। जो संस्थाएं हैं, कानूनी संस्थाएं, उनमें गिरावट आनी हो गई है, उनमें संकट प्रारंभ हो गया है। तो अब क्या कहते हैं कि जो राज्य है, अब राज्य है आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को, किस प्रकार के मुद्दों को? आर्थिक मुद्दों को, कि देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए। और जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं, जैसे कि चंदा आता है राजनीतिक दलों को, तो उस पे सार्वजनिक बहस के लिए नहीं रखते हैं उसको, क्या है, सार्वजनिक बहस के लिए नहीं रखता है। जनता अब इन पे कोई विचार विमर्श नहीं कर सकती, खुद ही सरकार तय करने लग गई है। इसे उपनिवेशीकरण कहा है, यानी जो समाज और संस्कृति है उसका अर्थव्यवस्था पे कोई नियंत्रण नहीं रहा है। समाज और संस्कृति है वो अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के अधीन हो गई है, उसकी उपनिवेश की तरह हो गई है। तो अब राज्य मानकर चलते हैं कि हमें जनता से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो समस्याएं हैं देश के अंदर, राजनीतिक समस्याएं हैं या आर्थिक समस्याएं हैं, इनका जो समाधान है, और ये जो समस्याएं हैं ये सब क्या है, तकनीकी समस्याएं हैं। तकनीकी समस्या से मतलब ये नहीं है कि ये कोई प्रौद्योगिकी से जुड़ी समस्याएं हैं, उनके साथ साथ तकनीकी से तात्पर्य है कि इनका जो समाधान है समाज नहीं कर सकता, इनका समाधान है वो विशेषज्ञ व्यक्ति ही कर सकते हैं। आर्थिक समस्याओं का समाधान है वो आर्थिक विशेषज्ञ कर सकता है, सामान्य जनता के पास वो क्षमता नहीं है कि वो इसका समाधान कर सके। तो ये मान के चलते हैं, राज्य है जो सरकारें हैं वो मानकर चलती है कि आज की जो समस्याएं हैं, लोकतांत्रिक समस्याएं हैं, वो तकनीकी समस्याएं हैं, और इनका समाधान जो ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेट्स है या जो इसमें कार्यरत विशेषज्ञ हैं वही कर सकते हैं, इनके अलावा इनका कोई समाधान नहीं कर सकते। और इन कारणों से इन्होंने क्या है, तकनीक को और विज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया है। क्या दिया है?
तकनीक और विज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया है। तो तकनीकी एवं वैज्ञानिक जो तार्किकता है वो एक विचारधारा के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करती है? विचारधारा के रूप में कार्य करती है कि इन समस्याओं का समाधान ये कर सकती है। तो अब क्या है कि जो तकनीक के जो लोग हैं उन्होंने सामान्य जो व्यक्ति है, सामान्य जो जनता है, उनको हाशिए पे लाके छोड़ दिया है कि आप तो साइड में रहिए, आपसे कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। और क्या है, तार्किकता को अत्यधिक महत्व तो दिया है। जैसे कि मैक्स वेबर ने कहा था, मैक्स वेबर भी जर्मनी से है और उन्होंने तार्किकता की, युक्ति संगतता की विशेष तौर से बात कही थी। किसकी बात कही थी? युक्ति संगतता की बात कही थी कि आज की सभी समस्याओं का समाधान तर्कसंगत क्रियाओं से किया जा सकता है। तो तार्किकता को महत्व दिया गया है, सामान्य लोगों को साइड में छोड़ दिया गया है। सामान्य लोगों की राजनीतिक जो समस्याएं हैं या जो आर्थिक समस्याएं हैं उनसे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है। इससे हेबरमास क्या कहते हैं? लोगों का ऐर राजनीतिकरण। क्या कहते हैं? लोगों का ऐर राजनीतिकरण, यानी लोग हैं वो राजनीति को नहीं समझते हैं। राजनीतिक समस्याओं का समाधान तकनीकी लोग कर सकते हैं, तकनीक की सहायता से किया जा सकता है, सामान्य लोग नहीं कर सकते। इसे हेबरमास क्या कहते हैं? डी पोलिटिलाइजेशन कहते हैं। इससे क्या होता है कि वैधता का संकट हो गया है, जो सरकारें हैं, जो कानून हैं, उनका संकट उत्पन्न हो गया है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को एक साथ ही कर देता हूं, हम लास्ट में चर्चा करेंगे। तो अब समस्या समाधान की जो बात कह रही थी, जो मैक्स वेबर ने क्या था कि जो साध्य साधन है, जो साध्य साधन तर्क संगतता है, तार्किकता है, तार्किक क्रिया के माध्यम से सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है वो किया जा सकता है। लेकिन हेबरमास कहते हैं कि आधुनिक राज्य मान के चलते हैं कि अब इनका जो समाधान है वो उपकरणों के माध्यम से होता है। किनके माध्यम से होता है? उपकरण, तकनीक के माध्यम से होता है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से होता है। जैसे कि कंप्यूटर है, जैसे कि कंप्यूटर है, आज ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, कंप्यूटरीकृत समाज का निर्माण है वो किया जा रहा है। राज्य प्रत्येक चीज को, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक को, कंप्यूटर के अंदर फीड करती जा रही है। वो कहती है कि कंप्यूटर से ही सब समस्याओं का समाधान है वो किया जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर किस पे कार्य करते हैं? तार्किकता पे कार्य करते हैं। तो इसे हेबरमास क्या कहते हैं? उपकरण कारण, इंस्ट्रूमेंटल रीजन कहते हैं। तो यानी कंप्यूटर को ही उन्होंने क्या मान लिया? सर्वाधिक दक्ष एवं विवेकपूर्ण मान लिया है। और यहीं से मानवीय विकास का विनाश प्रारंभ हो जाता है, ऐसा हेबरमास मानते हैं कि जब तकनीक को, जब तार्किकता को, कंप्यूटर को अत्यधिक महत्व दिया जाएगा, तब क्या हो जाएगा? मानवीय विकास के स्थान पे उसका विनाश हो जाएगा और इससे कई संकट उत्पन्न हो जाएंगे। कितने? कई संकट उत्पन्न हो जाएंगे। और हेबरमास ने ये जो थियरी दी थी ना, ये बहुत पहले दी थी और आज हम इसको एक धरातल पे होते हुए देख सकते हैं। आपने नाम तो सुना होगा एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि। अब क्या है, जैसे कि अभी आजकल चल रहा है, अगर आपने सर्च नहीं किया है तो कर सकते हैं, चैट जीपीटी, एक ऐप आया है चैट जीपीटी, GPT, आप उसको जो भी कहोगे ना वो कर देगा। तो चैट जीपीटी आज के जमाने में, और इस पे कई देश है वो प्रतिबंध लगा चुके हैं और कई देश है वो प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, क्योंकि इससे मानव के विनाश का संभावना बन गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव को अनेक प्रकार से संकटों में डाल सकती है, इसलिए इन पे आजकल प्रतिबंध लगाने की चर्चा है वो चल रही है। चीन तो इस पे लगा चुका है, अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोपीय देश इस पे निकट भविष्य में एआई पे प्रतिबंध लगा दे, मुख्य रूप से चैट जीपीटी पे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखूं, इससे क्या हो गया है, आजकल किसी को हिसाब करना होता है। अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हो ना, दो सामान लेते हो, एक 50 रुपये का और एक 30 रुपये का, तो दुकानदार क्या करेगा? 50 और 30 ऐसे नहीं कहेगा, 80 रुपये दे दे,
वो कैलकुलेटर करके देखेगा 50 प्लस 80, और आपसे भी पूछ लिया जाए ना कि 4-5 ये आइटम्स है इनका जोड़ करके बताओ, तो आप भी क्या करोगे, उनको खुद का तर्क नहीं लगाओगे, क्या करेंगे मोबाइल के अंदर वो कंप्यूटर निकालेंगे अपने कैलकुलेटर और जोड़ना शुरू कर देंगे। तो यानी जो तार्किकता है, जो तकनीक है, उससे हम अत्यधिक निर्भर होते जा रहे हैं, और ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। इससे कहते हैं कि कई संकट उत्पन्न हो गए हैं, और साथ में ये कहते हैं कि वर्तमान जो समाज है वो पूंजीवादी समाज है, पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं बचा है, और ये पूंजीवाद को भी तीन उपव्यवस्थाओं में विभाजित करते हैं, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पूंजीवाद। आर्थिक पूंजीवाद, राजनीतिक एवं प्रशासनिक पूंजीवाद और सांस्कृतिक पूंजीवाद। ये पूंजीवाद अब केवल आर्थिक क्षेत्र नहीं बचा है, ये राजनीति में भी आ चुका है, ये प्रशासन में भी आ चुका है, और ये सांस्कृतिक जीवन में भी आ चुका है, जिसे हेबरमास जीवन जगत, लाइफ वर्ल्ड कहते हैं, उसमें भी आ चुका है। तो ये जो संकटों की बात कर रहे हैं, संकट सम्मत या विधि सम्मत संकट की बात कर रहे हैं, तो इसमें उन्होंने 4 प्रकार के संकटों की चर्चा की है। कितने प्रकार के संकट बताए? 4 प्रकार के संकट बताए हैं। पहला संकट बताया है आर्थिक संकट। क्या बताया है? आर्थिक संकट बताया है कि पूंजीवाद है, जो समाज की आवश्यकताएं हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, उनके अनुरूप उत्पादन नहीं कर पा रहा है, इस वजह से उत्पादन का या आर्थिक संकट आ गया है। दूसरा उन्होंने कहा कि तार्किकता और विवेक का संकट आ गया है, राजनीतिक और प्रशासनिक उपव्यवस्थाओं में पर्याप्त निर्णय नहीं लिए जाने के कारण विधि का संकट है वो उत्पन्न हो गया है, तार्किकता या विवेक का संकट उत्पन्न हो गया है। अभिप्रेरण का संकट कि अब धीरे धीरे जो नई सांस्कृतिक प्रतीक हैं, जिनसे अभिप्रेरणाएं पैदा होनी चाहिए, उन प्रतीकों का अभाव हो गया है, अब नए कार्यों के लिए सांस्कृतिक प्रतीक नहीं पैदा होते हैं, जिससे अभिप्रेरणा नहीं मिलती है, तो इससे अभिप्रेरणा का संकट उत्पन्न हो गया है, और पर्याप्त अभिप्रेरणा ना मिलने के कारण वैधता का संकट उत्पन्न हो गया है। तो कुल 4 प्रकार के संकट इन्होंने बताए, आर्थिक संकट, तार्किक संकट, अभिप्रेरणा संकट और वैधता का संकट। तो इसमें ये कहते हैं कि जो आर्थिक और विवेक का संकट है वो कम महत्वपूर्ण है, वो क्या है, कम महत्वपूर्ण है, जबकि जो अभिप्रेरण और वैधता का संकट है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और वैधता का संकट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो अब ये इन संकटों के अंदर क्या कहते हैं कि इस प्रकार के जो संकट हैं, इनका समाधान किसके जरिए किया जा सकता है, इन संकटों का समाधान है वो संप्रेषणात्मक क्रिया सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। किसके द्वारा? संप्रेषणात्मक क्रिया सिद्धांत या जो संचार क्रिया सिद्धांत है उसके द्वारा किया जा सकता है, उसके द्वारा ही है हेबरमास एकीकृत समाज का निर्माण करना चाहते हैं। तो ये संचार क्रिया सिद्धांत क्या है इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक नज़र इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उन पे डाल लेते हैं, एक नज़र है हम इनकी जो भी प्रमुख पुस्तकें हैं उन पे डाल लेते हैं, क्योंकि प्रश्नों इन बुक्स से भी कई बार प्रश्न है वो बन जाते हैं। इनकी पहली पुस्तक है द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्पेयर, दूसरी पुस्तक है थियरी एंड प्रैक्टिस, थियरी सिद्धांत और व्यवहार, सिद्धांत और व्यवहार 1963 के अंदर। ये कई बार जब आते हैं ना कि दो युग्मों का मिलान कीजिए, सूची ए का सूची बी के साथ मिलान कीजिए, तब इस प्रकार के जो शब्दावली आते हैं या बुक्स का यूज है वो होता है, और कई बार इनका अंग्रेजी में नाम ना देकर, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले हम और इसलिए हिंदी में नाम दे दिया जाता है, और हमने क्या पढ़ा, थियरी एंड प्रैक्टिस पढ़ा, और हिंदी में इसका क्या हो जाएगा, सिद्धांत और व्यवहार, क्या हो जाएगा, सिद्धांत व व्यवहार। अब जब पूछ लिया जाए कि सिद्धांत एवं व्यवहार की बात किसने की, आप उलझन में पड़ जाओगे, तो इसलिए आपको हिंदी और अंग्रेजी में दोनों के नाम इनके पता होना चाहिए।
नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट 1968, लेजिटिमेशन क्राइसिस 1976, ऑन द लॉजिक ऑफ सोशल साइंसेज, सामाजिक विज्ञान के तर्क 1967, टूवर्ड ए रेटियोनल सोसाइटी 1968, टेक्नोलॉजी एंड साइंस एज आइडियोलॉजी, तकनीक और विज्ञान एक विचारधारा के रूप में। अभी हमने चर्चा की थी ना कि जो टेक्नोलॉजी और जो साइंस है वो एक आइडियोलॉजी के रूप में प्रयोग होने लगी है, लोगों के जो विचार हैं उनको महत्व नहीं दिया जाता बल्कि टेक्नोलॉजी और साइंस को महत्व दिया जाता है। तो ये एज ए विचारधारा के रूप में, आइडियोलॉजी के रूप में उपयोग होने लगी है। तो प्रत्येक लाइन से पर्सन बनता है, तो आप पूर्णतया एकाग्र होकर तैयारी कीजिए, समझिए, सुनिए, देखिए, फिर तो आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है। और एकाग्रता ही अपनी सफलता की कुंजी का राज है। अगर हम पूर्णतया समर्पित होकर कोई कार्य नहीं करेंगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो आप जो भी काम कीजिए पूर्ण समर्पित होकर कीजिए। अगर आप अभी ये क्लास देख रहे हैं तो समर्पित होकर देख लीजिए, अपने दिमाग में जो भी विचार चल रहे हैं उनको एक बार हटा दीजिए। कम्युनिकेशन एंड द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी 1976, ऑन द प्रैग्मेटिक्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन 1976, ऑन द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ऑन द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। ये दो वॉल्यूम है इसके, पहला वॉल्यूम 1986 में आया था और दूसरा वॉल्यूम अब 1988 के अंदर आया था। कितने वॉल्यूम है? दो वॉल्यूम है इसके। और फिलोसॉफिकल पॉलिटिकल प्रोफाइल, द फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या है, आधुनिकता पे भी अपने विचार रखे हैं। द न्यू ऑब्सक्योरिटी, द क्राइसिस ऑफ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी समाज या कल्याणकारी राज्य के रूप में क्या क्या संकट है। वॉल्यूम देखो, जब आप थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन जब आपके नेटवर्क की वजह से, लेकिन बाद में ये जब हम अपलोड कर देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हो गई। अब इनका जो संचार क्रिया सिद्धांत है, संप्रेषणात्मक क्रिया सिद्धांत है, संरचनात्मक क्रिया सिद्धांत है, वो क्या है और इस सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ये जो कार्ल मार्क्स की क्रांति का ऑप्शन है, तो ये जो कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन की बात करते थे, जो वंचित वर्ग की, जो शोषित वर्ग की, कार्ल मार्क्स क्या चाहते थे, जो समाज का शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, कामगार वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उसको शोषण से मुक्त किया जाए। तो वंचित वर्ग से मुक्ति की बात या शोषण से मुक्ति की बात, शोषण से मुक्ति की बात कार्ल मार्क्स कहते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो क्रांति की बात करते हैं। लेकिन हैबरमास कहते हैं कि क्रांति का युग नहीं बचा है, 1917 के अंदर रूस की क्रांति होगी, उसके बाद में कोई क्रांति नहीं हुई है, कई मजदूर है वो अब इकट्ठे नहीं हो सकते, इसके कई कारण हैं जिसकी चर्चा इस सिद्धांत में करते हैं। तो ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी संप्रेषणात्मक क्रिया सिद्धांत की, तो ये कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र का पतन हो गया है, पूंजीवाद और राज्य का हस्तक्षेप है वो जनता पे बढ़ता जा रहा है, इन कारणों से जो वंचित शोषित वर्ग है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पूंजीवाद और राज्य अपने हितों को साधना चाहते हैं, उनके जो कमजोर वर्ग हैं उनके हितों से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके लिए इस सिद्धांत को इन्होंने रखा, इसकी प्रेरणा है वो इनसे मिली। तो इस सिद्धांत में इन्होंने क्या किया, जो अल्फ्रेड सूज का जो प्रघटना शास्त्र था और जो जीवन जगत लाइफ वर्ल्ड की अवधारणा थी, और पीटर विंच के जो मानव शास्त्रीय मॉडल था, उसके आधार पर इन्होंने अपना संचार व्यवस्था का सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया है। इसमें ये चार प्रकार की क्रियाओं की चर्चा करते हैं। कितने प्रकार की क्रियाओं की चर्चा करते हैं? चार प्रकार की क्रियाओं की चर्चा करते हैं अपने इस सिद्धांत में। ये क्रियाएं महत्वपूर्ण है और इनसे प्रश्न है वो कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं।
उद्देश्य परख या प्रयोजनार्थ क्रिया, उद्देश्य परख या प्रयोजनार्थ क्रिया, इसको जो कार सॉरी मैक्स वेबर की जो तार्किक क्रिया थी वो यही है। तो ये तार्किक क्रिया ही है, उद्देश्य प्रक्रिया है, यानी व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हुए कोई क्रिया करता है वो उद्देश्य प्रक्रिया होता है। जैसे कि अभी आपको क्या लगता है कि आप ये मोबाइल लेकर इस वीडियोज को सुनो, अपनी आंखें फोड़ो, क्या हो सकता है? क्योंकि आपका कोई ना कोई उद्देश्य है, प्रयोजन है कि हमें ये एग्जाम क्लियर करना है। तो इसको क्या कहा है, तार्किक क्रिया कहा था किसने, मैक्स वेबर ने, और हैबरमास इसे क्या कहते हैं, उद्देश्य प्रक्रिया, प्रयोजनार्थ क्रिया कहते हैं। तो कर्ता द्वारा विभिन्न साधनों द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो क्रिया की जाती है वो प्रयोजनार्थ या उद्देश्य परक क्रिया होती है, टेलियोलॉजिकल क्रिया। आगे है आदर्श या मानदंड निर्देशी क्रिया, जो कि मूल्यांकन क्रिया थी ना मैक्स वेबर की, वह ही क्रिया ये है कि मानदंडों से निर्देशित तो होकर कोई क्रिया हम करते हैं। समाज के जो भी आदर्श होते हैं, ईमानदारी है, सत्यता है, समान है, उनके आधार पर जो क्रिया करते हैं वही ये क्रिया है। तो ये दो तो लगभग सभी बताते हैं, दो जो क्रियाएं हैं उनकी बात है वो हैबरमास करते हैं। एक अभिनय शास्त्रीय या नाटकीय क्रिया, तो ये क्रिया इन्होंने गोफमैन से प्रेरित है इनकी क्रिया। और सबसे महत्वपूर्ण जो क्रिया है जिसकी चर्चा केवल हैबरमास करते हैं वो है संरचनात्मक क्रिया या संप्रेषणात्मक क्रिया, कम्युनिकेटिव एक्शन या अभिव्यक्तिशील क्रिया, अभिव्यक्तिशील क्रिया, यही इनका सिद्धांत है। तो क्या होता है ये क्रिया कब होती है, ये क्रिया होती है इसके जरिए ये जो सार्वजनिक क्षेत्र है ना उसकी चर्चा करना चाहते हैं, ये सार्वजनिक क्षेत्र पे चर्चा करना चाहते हैं इसके जरिए। और सार्वजनिक क्षेत्र के जरिए वो पूंजीवादी और जो आधुनिक जो राज्य है उनको नियंत्रित करना चाहते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि समान भाषा समान प्रतीकों के प्रयोग करता, यानी जो एक ही भाषा जो आसपास के लोग होते हैं तो समान भाषा और प्रतीकों का प्रयोग करता को एक सूत्र में बांधने वाली जो क्रियाएं होती है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र ये कहते हैं, तो उनको इन्होंने क्या कहा है, संप्रेषणात्मक क्रिया कहा है। इसको इन्होंने कहा है आदर्श कथन समुदाय, आइडियल स्पीच कम्युनिटी, आइडियल स्पीच कम्युनिटी, अर्थार्थ बिना किसी दबाव के हम दिन प्रतिदिन के जीवन में अपना जो वार्तालाप करते हैं, जैसे हम अपने नजदीकी दोस्तों के साथ चर्चा कर लेते हैं ना कि देश के अंदर क्या हो रहा है, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, फलाना व्यक्ति कैसे है, फलाना आज ये घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, तो हम जो सामान्य दिनचर्या के अंदर जो बात करते हैं, जो संवाद करते हैं, तो इसमें ये नहीं है कि कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, इसमें सभी को समान अवसर मिलते हैं। इसमें क्या होता है, समान अवसर मिलते हैं। एक जो आईएएस अधिकारी है वो एक चपरासी से भी बात करता है तो वहां पे वो समानता प्रभावित नहीं होगी। इसी प्रकार से हम सामान्य जीवन में जब गांव के अंदर मोहल्ले के अंदर एक साथ बैठकर बात करते हैं तो उसमें छोटे लोग भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, उच्च वर्ग के भी होते हैं, मध्यम वर्ग के होते हैं, तो उसमें कोई सभी को समान अवसर की बात होती है, सब अपनी बात है वो कहते हैं। तो इसको इन्होंने क्या कहा, आदर्श कथन समुदाय, आइडियल स्पीच कम्युनिटी। तो इसमें संप्रेषणात्मक क्रियाओं में इनका विशेष योगदान है। और ये जो क्रिया है ये सामान्यतः कार्य एवं श्रम के अर्थ में प्रयोग है वो की जाती है। तो क्रिया की बात की, तो ये मुख्य रूप से दो क्रिया है, एक पहली क्रिया तर्कसंगत या उद्देश्यपूर्ण क्रिया और अंतिम क्रिया अभिव्यक्तिशील क्रिया यानी संचरणात्मक क्रिया। दोनों में अंतर करते हैं, क्या करते हैं दोनों में अंतर करते हैं, और अभिव्यक्तिशील क्रिया को विशेष महत्व मानते हैं। यानी तार्किक क्रिया की बजाय जो संप्रेषणात्मक क्रिया है उसको अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि ये इनके सार्वजनिक क्षेत्र का विषय है। अब ये चर्चा है वो सामान्य चर्चा होती है ना,
यही देश की दिशा और दशा को निर्धारित करता है। और कार्ल मार्क्स के जो इन्होंने कहा था कि जो श्रम है, मानवीय श्रम है, उसके स्थान पे इस संचार क्रिया है वो मुक्ति का कारण बन सकती है और लोगों को जोड़ने वाली चीज बन सकती है। तो इस अपने सिद्धांत में संचार से जो है सिद्धांत, इस सिद्धांत में कई अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे रोजमर्रा लाइफ, जीवन जगत, क्या कहा है, जीवन जगत, लाइफ वर्ल्ड कहते हैं, तो इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों है शामिल किए जाते हैं। तो ये दुनिया जो रोजमर्रा की दुनिया है, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं, मूल्यों, विश्वासों, वार्तालापों से निर्मित होती है। इसमें संचार, भाषा एवं प्रतीकों का प्रयोग है वो हम करते हैं। तो देखो ये क्या कहते हैं कि युक्ति संगत और संचार की बात करते हैं, कि संचार क्रिया के अंदर जो युक्ति संगत है, जो तार्किकता है, उसके कारण, तार्किकता के कारण नैतिक भावनाएं खो गई है। क्या है, तार्किकता के कारण नैतिक भावनाएं खो गई है। तर्क का स्थान है वो महत्वपूर्ण हो गया है। तर्क के जरिए किसी भी कार्य को उचित ठहराया जा सकता है। जैसे कि अभी मैंने चर्चा की कि तर्क पागलपन की अंतिम भाषा है। ये किसने कहा, ये मिशेल फुको ने कहा। ये क्या कहा, मिशेल फुको ने कहा कि तर्क है वो पागलपन की अंतिम भाषा है। क्यों कहा, क्योंकि तर्क के जरिए किसी भी कार्य को उचित ठहराया जा सकता है। जैसे कि हम अभी पिछले दिनों में यूपी के अंदर देख रहे थे कि पुलिस अभिरक्षा के अंदर दो व्यक्तियों का कत्ल होता है और समाज उनको उचित ठहराने का प्रयास करता है। तो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर किसी को मृत्युदंड मिलता है तो वो वैधता का संकट नहीं है, लेकिन अगर किसी गैरकानूनी तरीके से किसी को मृत्युदंड दिया जाता है तो वो क्या है, हैबरमास के अनुसार वैधता का संकट उत्पन्न करता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि तर्क के जरिए किसी भी कार्य को उचित ठहराया जा सकता है। इसीलिए मिशेल फुको क्या कहते हैं कि तर्क है वो पागलपन की अंतिम भाषा है। और इसलिए ये जो वर्तमान के सिद्धांत थे उनकी आलोचना भी करते हैं कि आज तक तार्किकता का कोई भी वेद सिद्धांत का निर्माण है वो नहीं हो पाया है। तो ये युक्ति संगता की बात हो गई। अब ये क्या करते हैं कि जो संचार व्यवस्था है उसके अंदर समाज कहाँ है, संचार व्यवस्था में समाज कहाँ है। तो हैबरमास कहते हैं कि संचार क्रिया ही समाज को बनाती है, संचार की समाज को बनाती है। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, यहां पे कार्ल मार्क्स और हैबरमास के विचारों में थोड़ा सा अंतर है। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि आर्थिक क्रिया यानी अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। सामाजिक संरचना जिसे वो अधिसंरचना कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यानी आर्थिक संरचना से सामाजिक संरचना बदल सकती है, लेकिन हैबरमास कहते हैं कि अब ये संभव नहीं है। पूंजीवाद बहुत आगे जा चुका है, पूंजीवाद आगे जा चुका है। अब आर्थिक संरचना से हम सामाजिक संरचना को नहीं बदल सकते। अब समाज को बदलने के लिए संचार क्रिया की आवश्यकता होगी। संचार क्रिया को अगर बदल दिया जाए तो समाज में बदलाव आ सकता है। तो हैबरमास प्रकार के समाजों की वो चर्चा यहां पे करते हैं, आदिम समाज, परंपरागत समाज, पूंजीवाद समाज और उत्तर पूंजीवाद समाज। ये चार प्रकार है वो समाज के, आप याद कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के समाज की चर्चा है वो हैबरमास ने की या नहीं की। तो ये हमारा क्या था, संरचनात्मक क्रिया का सिद्धांत चल रहा है और इसके जरिए ये समाज में परिवर्तन की बात करते हैं। तो कहते हैं कि मार्क्सवाद या मार्क्सवादी होते हुए भी ये क्रांति या हिंसा को परिवर्तन का कारण नहीं मानते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि एक दिन कामगार वर्ग अलग हो जाएगा, वो पूंजीवाद
पतिवर्ग पे कब्जा कर लेगा, उसको समाप्त कर देगा, ये सब क्रांति से होगा, संघर्ष होगा, क्रांति आएगी, फिर समाज के अंदर परिवर्तन आएगा। लेकिन हेबरमास कहते हैं कि अब क्रांति के दिन है वो लद चुके हैं, पूंजीवाद बहुत आगे आ चुका है। अब ये जो परिवर्तन लाएंगे वो क्या लाएंगे, आदर्श कथन समुदाय, आइडियल कम्युनिटी, आइडियल कम्युनिटी के जरिए आएंगे, जिसकी अभी हमने चर्चा की। तो दिन प्रतिदिन के अंदर जो क्रियाएं होती है जिसे संचारात्मक क्रिया कहते हैं, इनके जरिए परिवर्तन लाया जा सकता है, क्योंकि अब श्रमिक वर्ग है वो अब उतना शोषण का शिकार नहीं है जितना, क्योंकि जब कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो पूंजीवाद की प्रारंभिक स्टेज थी, और पूंजीवाद की उन्होंने आलोचना की, श्रमिक वर्गों की उन्होंने कल्याण की चर्चा की, इससे दुनिया के अंदर क्या प्रभाव पड़ा, इसलिए मजदूरों का मसीहा कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो पूंजीपति समाज थे ना, उन्होंने श्रमिकों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक कदम उठाए। तो इससे क्या है कि आज श्रमिक वर्ग को एक अच्छा वेतन मिलता है, अच्छे कार्य दशाएं मिलती है, ये सब मार्क्स की वजह से हुआ। तो लेकिन हेबरमास है वो उस समाज के विचारक हैं जब पूंजीवाद बहुत आगे बढ़ चुका है, आधुनिकता नहीं उत्तर आधुनिकता का दौर आ चुका है। तो ये कहते हैं कि अब श्रमिक वर्ग है वो अधिक संतुष्ट हो गया है, अब श्रमिक वर्ग मिलकर क्रांति नहीं करेगा। और हम देखते भी है अब कोई ज्यादातर श्रमिक आंदोलन नहीं होते, श्रमिक आंदोलन अब बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो अपने कार्य से अब संतुष्ट होने लगा है। तो अब क्या कहते हैं, अब क्रांति कैसे आएगी, अब ये कहते हैं हेबरमास कि अब जो क्रांति है, क्रांति से तात्पर्य केवल खून खराबा नहीं होता है। जैसे कि जब भी हम क्रांति का नाम सोचते हैं तो हम क्या कहते हैं, मारपीट खून खराबा की बात सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हरित क्रांति है, दुग्ध क्रांति है, मछली क्रांति है, इनमें कहाँ होता है, क्रांति का मतलब है कि अचानक से परिवर्तन आना। तो अब जो परिवर्तन आएगा वो किस कारण आएगा, वो पूंजीवाद के ही कारण आएगा। क्या है, पूंजीवाद के कारण विभिन्न देशों के बीच में गैर बराबरी आ गई है, अधिक पूंजीपति जो देश हैं वो कम पूंजीपति देशों का शोषण कर रहे हैं, अधिक पूंजीपति देश है वो कम पूंजीपति देशों का शोषण कर रहे हैं। जैसे कि अभी चीन ने लगभग रूस को अपने सॉरी चीन ने श्रीलंका को लगभग नियंत्रण में कर लिया है, अमेरिका ने इराक को, अफगानिस्तान को पूर्णतः अलग थलग कर दिया है। तो अब कहते हैं कि इस प्रकार के भेदभाव से क्रांति आएगी। तो ये इनके संचार क्रिया सिद्धांत हो गया और वेदता का संकट हो गया। अब हम इस दूसरे पार्ट में